कांग्रेस पहुंची घर घर अभियान में लोगों के बीच विधायक के नेतृत्व में चलाया गया अभियान। भैंसदेही शनिवार को भैंसदेही शहर के वार्ड क्रमांक 14 और 15 वार्ड में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के नेतृत्व में घर घर चलो अभियान प्रारंभ किया गया। यह कार्यक्रम लगभग 20 से 25 दिनों तक चलाया जाएगा। क्षेत्र विधायक धर्मू सिंह सिरसाम ने बताया कि इस अभियान का मकसद जनता को जागरूक करने और बीजेपी द्वारा बढ़ाई गई महंगाई के खिलाफ सीधे तौर पर विरोध के लिए अभियान की शुरुआत की है। धर्मू सिंह ने शिवराज सिंह चौहान द्वारा दिए गए बीमे की राशि का भी जिक्र करते हुए कहा कि यह बीमा उन्होंने नहीं बल्कि जो किसानों ने अपने पेट काटकर बीमा करवाया था उस बीमा कंपनी ने दिया है। अभियान में मौजूद भैंसदेही ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष विनय शंकर पाठक ने भी बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि ये गरीबों की सरकार नहीं है। अभियान में विनय शंकर पाठक बताया कि लोगों को बीजेपी द्वारा ठगा जा रहा है। कांग्रेस द्वारा पर्चे छपवा कर घर घर हर लोगों को दिया जा रहा है। इस पर्चे में भाजपा द्वारा कांग्रेस की तुलना में बढ़ती हुई महंगाई का जिक्र किया है, जिसमें मुख्य रूप से पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, खाने का तेल, दालचीनी, दालें और चीनी और चावल और एक्टिवा, मोटरसाइकिल आदि सामानों का इसमें जानकारी दिया गया है। ये बताइए, जो ये कांग्रेस ने मुहिम छेड़ी है घर घर जाकर, तो आज हमने भैंसदेही वार्ड क्रमांक 14 और 15 में जाके सर्वे किया घर घर, तो क्या आपको लगता है क्या रिस्पांस मिला जनता का? हमारे माननीय प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ जी, पूर्व मुख्यमंत्री, उनके द्वारा ये मुहिम चलाई गई है। उसी के द्वारा हमने पिछले विगत दिनों केरपाई से शुरुआत की है और हर मंडल सेक्टर हम ये घर चलो घर घर चलो अभियान चालू किया है। क्या लगता है आपको कि जनता तक आप महंगाई की मार जो पड़ी है तो इसके बारे में जनता जागरूक हो रही है? जनता पूरी तरह से त्रस्त है महंगाई को लेकर। जहां जा रहे हैं हम सब हर व्यक्ति बोल रहे हैं कि सरकार जब आई थी बीजेपी सरकार इसी महंगाई को लेकर कि हम पेट्रोल के खाने की गैस की गैस हम 400 से और कम करेंगे जो 920 हो गई है, पेट्रोल का भाव कहीं ऊँचे दामों पर बिक रहा है, इसके लेकर आम जनता पूरी त्रस्त है। खाने का तेल भी बहुत महंगा है, जो मूलभूत सुविधाएं थी महंगी हो गई है, तो क्या लगता है आपको कि कांग्रेस की जो ये मुहिम छेड़ी है तो इससे क्या आपको लगता है कि रिजल्ट अच्छा आएगा या क्या लगता है? बिल्कुल आने जी। बताइए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए जो कांग्रेस के द्वारा घर घर जाकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो इसका मुख्य क्या कारण है? मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में माननीय पूर्व मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में पूरे मध्य प्रदेश में ये जो भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में जो पेट्रोल डीजल से लेकर अन्य जितनी भी वस्तुओं में जो अनाप शनाप रेट महंगाई बढ़ाई उससे गरीब लोग त्रस्त है, इसको लेकर माननीय कमलनाथ जी ने सभी ब्लॉक जिला स्तर पर घर घर जाने के अभियान को छेड़ा है, जो कि गांव में रहने वाले सभी गरीब मजदूरों को वास्तविकता पता लगे कि कांग्रेस के समय में पेट्रोल का क्या रेट था और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में क्या रेट। इन अंतरों को बताने के लिए और कांग्रेस की नीतियों को बताने के लिए हम घर घर जाकर ये मुहिम छेड़े। क्या लगता है आपको कि आप घर घर जाकर आम जनता को महंगाई के बारे में हम लोगों से मिलने से हमको आभास होता है कि वास्तव में ये महंगाई को लेकर बहुत आक्रोशित है जनता भी और आप लोग भी। आप लोग इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं तो आपको जनता का रिस्पांस तो मिल ही रहा है। हमको आभास हो रहा है कि वास्तव में हमको जनता का सहयोग मिल रहा है। मैंने आगे जाके ऐसा लगता है कि सत्ता परिवर्तन हो जाएगा आने के समय में, ऐसा लगता है कि सत्ता परिवर्तन तो होगा ही। R9 भारत से डिस्ट्रिक्ट क्राइम ब्यूरो चीफ रामेश्वर लक्ष्मी बैतूल की रिपोर्ट।